और ये मैं आशा करता हूं अब की बार संविधान की रक्षा हो और हमारी जो महंगाई और बेरोजगारी जो बढ़ रही है, अभी आप देखिए हाल में 42,000 कर्मचारी निकाले गए, 11% कर्मचारी कम किए गए हैं, तो ये नौबत देश में ना आए अगले 15 अगस्त तक। ये मैं ईश्वर से मैं मांगता हूं कि ऐसी स्थितियां ना हो देश में, और महंगाई बेरोजगारी का जो एक प्रकोप चल रहा है, जो दिक्कतें चल रही हैं, उस पे रोक लग सके। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। जी, सीएम के कुर्सी संजय राउत, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, यूबीटी, पूरे पार्टी सब लोग चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे जी सीएम बने। आज भी संजय राउत जी ने पूछा कि कांग्रेस बताए कि आपके पास कौन सा चेहरा है सीएम का, आप महाराष्ट्र के सामने रखे। नाना पाटोले जी नॉट रिलेंटिंग, बोले मैं कुछ नहीं, जब तक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगा, जो तीनों में ज्यादा लार्जेस्ट एमएलए लेके आएंगे उनका सीएम बनेगा। पवार साहब ने भी क्लियर कट ना कर दिया, जहां डिक्लेयरिंग सीएम कैंडिडेट बिफोर द इलेक्शंस। तो आप शायद अकेले पड़ गए द्विवेदी जी, अकेले पड़ गए इस चीज में। देखिए प्रदीप जी, अकेले हम नहीं पड़े हैं। महाविकास अघाड़ी हमने 2019 में बनाई थी और उसका सबसे बड़ा अच्छा जो परिणाम जो निकल गया लोकसभा चुनाव में आया, या जितने उपचुनाव हुए आपके महाराष्ट्र में, उसमें परिणाम देखने को मिला। आज उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र के ही नहीं, आज देश के नेता के रूप में, या कहिए कि उनका जो उनकी जो फिगर है, उनकी जो व्यक्तित्व है, वो पूरे देश में छाया हुआ है।